हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्पेशल मॉम में स्वागत है। और आज की वीडियो में आज सबको सेल्फी कम ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। ये मेरे इस चैनल की पहली थोड़ी लंबी वीडियो है। इसे मैंने बस शौक के तौर पर फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है, जिसके कारण मैंने इसे मंगाया है। ये मेरे बजट में भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मंगा लिया जाए। और आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगी, साथ ही रिव्यू करके भी बताऊँगी कैसा है ये प्रोडक्ट। तो आइए, बने रहिए इस वीडियो में। तब के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए, ये सेल्फी कम ट्राइपॉड है, जिसे ये देखिए, ये कैमरा स्टैंड है। और ये इसमें तीन स्टैंड आते हैं, जिसे आप कहीं भी इजी वे में, आप टेबल में हो, बेड में हो, या जहाँ मन वहाँ आप इसे इजी वे में रख सकते हैं बिल्कुल। और इसे कम से कम आप सेल्फी स्टिक के इतना लंबा रख सकते हैं, जिससे आपको ब्लॉग बनाने में बहुत इजी होगा। ये ब्लॉगिंग के लिए मुझे स्पेशली लगता है कि बहुत अच्छा है। इवन आप कुर्सी में बैठ के भी, टेबल में रख के इसे बनाया जा सकता है। ये देख सकते हैं, ये कैमरा स्टैंड है। कैमरा स्टैंड में मैं मोबाइल को लगा के देख रही हूँ कि ये अच्छे से लगता है। और ये देखिए, बहुत अच्छे से लग गया, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट हो गया, स्टेबल हो गया, जिससे कि पिक्चर बहुत हिलेगी नहीं और बहुत अच्छे से आएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका एक और बहुत अच्छी बात ये है, एडवांटेज, कि ये 360 डिग्री में घूमता है, जिसे आप YouTube वीडियो भी बना सकते हैं, आप Instagram भी की वीडियो भी बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी एंगल से आप इसे अपने वीडियो जैसे भी मन चाहे वैसे आप बना सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो सेल्फी स्टिक की जो मटेरियल है, वो बहुत अच्छा है, बहुत मजबूती के साथ है। इसका एक चीज़ और बहुत अच्छा है ये, कि ये इसमें ब्लूटूथ है। इसमें आप ब्लूटूथ के थ्रू अपने मोबाइल को पेयर कर लीजिए, और आप ब्लूटूथ के रेंज में रह के आप इसे, इस रिमोट को अपने हाथ में रख के आप इसलिए देख सकते हैं कि कैमरा का प्रेस बटन है। आप उस कैमरे में प्रेस कीजिएगा, और प्रेस करके फिर आप जैसे ही प्रेस बटन क्लिक कीजिएगा, आपकी पिक्चर कैमरे में कैद हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इसे फिर दोबारा वहीं भी वापस लगा सकते हैं। और इस तरह से फिर आप इसे छोटा बड़ा, आपको जितने हाइट में चाहिए, आप इस फ़ोन को कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो बने रहिए मेरे चैनल पर।